फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर आज के वीडियो में हम लाए हैं एक और नया प्रोडक्ट जो अभी प्री लॉन्च स्टेज पे ही है और नेक्स्ट वीक ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है फोर्टीन दिसंबर को लेकिन इसका हमारे पास एक पीस आया है मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ ये है अमेरान कंपनी की सिक्सटी एक्स बाय कलर सी ओ वी लाइट जैसे हमने आपको एक बार गोडॉक्स की लाइट दिखाई थी एम एल सिक्सटी वही बाय कलर उसका वर्जन अभी रिसेंटली आया था तो ये भी वैसी ही लाइट है ये लेकिन अब फ्यूचर कंपनी की है एमरान इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये पोर्टेबल लाइट है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर ये केस के अंदर आती है गोडॉक्स की लाइट जो थी वो बैग में आती थी उन्होंने गिम्बल स्टाइल केस दिया है केस के अंदर लाइट आती है तो अनबॉक्स करके देखते हैं कि कैसी लाइट है फोम का केस है ड्रोन्स का आता है और गिम्बल्स का वैसा ही सेम केस है तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लाइट है देख सकते हो इतनी छोटी सी लाइट है और इसका ये स्टैंडर्ड रिफ़्लेक्टर है वारंटी कार्ड तो है ही है वारंटी इसमें एक साल की है इंडिया में और इस लाइट में जो खास बात है एक तो ये बाई कलर लाइट है सिक्सटी एक्स इसका मॉडल है लेकिन इसका जो आउटपुट है वो सिक्सटी फाइव वाट्स का है और माउंटिंग का जो क्लैम्प है इसका काफ़ी सॉलिड है मेटल का जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर लाइट माउंट हो जाएगी स्टैंड में इसकी पावर केबल है पावर से डायरेक्ट भी चला सकते हैं इसको और एक इसमें अगर आपको पोर्टेबल सोल्यूशन चाहिए तो इसमें इन्होंने एक ड्यू एफ नाइन सेवनटी प्लेट दे रखी है जिससे पावर हो जाएगी यही इस लाइट का एक अच्छा फीचर है जिससे आप किसी भी आउटडोर लोकेशन पे जहाँ पे आपको पावर सोर्स नहीं मिलता उस पर आप इस लाइट को बैटरी से चला सकते हो तो ये आइडियल फॉर इवेंट्स हो जाती है इवेंट्स में मोस्टली आपको नहीं मिलती पावर काफ़ी जगह पे तो इसमें आपको बैटरी से चला सकते हो और फिल्म मेकिंग में भी रिमोट लोकेशन एरिया में जहाँ बैटरीज नहीं होती वहाँ भी बैटरी से चल जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइट देखिए उससे आधे साइज़ की है मतलब जैसे गोडॉक्स की लाइट है ने कुछ ब्रिक शेप में बनाई है गोल लंबी लाइट नहीं है छोटी सी कॉम्पैक्ट लाइट है इसमें डिस्प्ले आ गया इसका यहाँ पे कूलिंग फ़ैन है यहाँ पे केबल लगेगी केबल से बेसिकली आप पावर केबल लगा दो या ये वाली केबल लगा सकते हैं जो इसके साथ है बैटरी प्लेट में और जो बैटरी प्लेट है वो वी माउंट सिस्टम है स्लाइडिंग सिस्टम तो काफ़ी सिक्योर होता है और ये केबल इसके अंदर लग जाएगी उस पर भी से... थ्रेड लॉक है अच्छी बिल्ड क्वालिटी है लगाने के वाले इसको स्क्रू करना है जिससे आपकी कभी चलते चलते निकले ना अभी मैं ऐसे ही लगा के दिखा देता था आपको और जो आगे का माउंटिंग है इसका वो बोवन माउंट है तो इन्होंने एक रिंग नहीं दिया है बस उसके तीन आपको वो दे दिए हैं कट्स जो बोवन वाले हैं तो रिंग इन्होंने एक्चुअली नहीं डाला तो बोवन माउंट की सारी एक्सेसरी इस पर लग जाएंगी और जो साथ में इसके रिफ्लेक्टर आ रहा है थोड़ा कॉम्पैक्ट रिफ्लेक्टर है क्योंकि मिनी रिफ्लेक्टर जिसको बोलते हैं ये आपका इसी में केस के साइज के हिसाब से ने बनाया है अगर आपके पास बड़े ऑलरेडी बोवन माउंट के पड़े हैं तो बोवंस के बड़े भी इस यूज़ कर सकते हो साथ में इन्होंने छोटा सा दिया इससे आपका स्पॉटलाइट इफेक्ट थोड़ा सा कम भीम आएगी नैरो बीम पंद्रह डिग्री का है। इसका वो है स्पिल तो मैं इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ रिफ्लेक्टर के साथ पहले बिना रिफ्लेक्टर के देखते हैं कि इसका वाइट में कैसा फिर रिफ्लेक्टर भी लगा देंगे और बैटरी जिसमें साथ में इंक्लूडेड नहीं है तो बैटरीज में अपनी आपको दिखा देता हूँ दो बैटरी लगा के पावर वाला सिस्टम तो आप समझ ही गए होंगे जैसे हर लाइट में होता है एस एल सिक्सटी वगैरह हंड्रेड में सब में ही पावर वाला ऑप्शन है ही है तो आउटडोर क्या जो बैटरी ऑप्शन है उसी से आज इसको दिखाते हैं जिससे आपको एक्चुअल आउटपुट पता चल जाएगा कि बैटरीज में कितना आता है एक माउंट हो गई इसमें और ये ड्यू वाला आपका सिस्टम है ये क्योर लॉक हो गया बस अब इसको ऑन करना है पीछे से ऑन का स्विच है हो गई लाइट ऑन जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट लाइट है ये देखिए इसका जो है इस टाइम पे ये डिस्प्ले आ रहा है तो ये ऐसे पकड़नी है लाइट आपको यहाँ पे आपको दिख रहा 98 होगा नाइन्टी एट परसेंट और कैलविन होगा फोर थाउजेंड तो अभी नाइन्टी एट परसेंट पे है फोर थाउजेंड केलविन पे और इसी डायल से आपका परसेंटेज कम ज़्यादा होगा स्टेपलेस एडजस्टमेंट जैसे हर लाइट में होता है आप वॉल पे देख सकते हैं अभी ये मिड कलर टोन्स पे आपकी लाइट है अब अगर हमें कलर टेम्परेचर चेंज करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये नीचे आ गया कलर रेंज पर मिनिमम केल्विन जो इसका है वो है आपका ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के देखिए प्योर येलो लाइट आपकी आ गई है वॉल पर ले सकते हैं हार्ड लाइट विदाउट एंड डिफ्यूजन अब सॉफ्ट बॉक्स वगैरह भी लगा सकते हैं उससे आपकी हार्डनेस कंट्रोल हो जाएगी और ये प्योर येलो लाइट है अब अगर इसी का हरे सिक्सटी फाइव परसेंट पार पे अभी और इसकी प्योर वाइट मैक्सिमम रेंज देख लेते हैं कहाँ तक जाती है मैक्सिमम इसका सिक्सटी फाइव हंड्रेड तक है सिक्सटी फाइव से ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के पे इसकी रेंज है तो इसका जो मीडियम रेंज है वही साढ़े चार हज़ार तक आपका आएगा सेंटर पे <coughs> मैक्सिमम आउटपुट आपका बीच में ही आएगा और इसका फुल पावर एक बार मैं कर दूँगा मैक्सिमम आउटपुट इसका आपका आएगा 45 पे ये इसका मीडियम रेंज हो गया फोर्टी फाइव अभी वापस लॉन्ग प्रेस करके आपका इस पर चला जाएगा अब इसको फुल कर देते हैं ये तो ये देख सकते हैं अब इसका मैक्सिमम पावर आपका हंड्रेड परसेंट उस पर आ रहा है फोर्टी फाइव हंड्रेड के एलिवेन पर अब यही अगर इसका आपका ये सिक्सटी एक्स वर्जन है इसका एक डी वर्जन भी आता है अगर आपको कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए तो आप इसका नॉर्मल वर्जन ले सकते हैं डी वाला उसमें आपको सिर्फ परसेंटेज कंट्रोल मिलेगा और उससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आपको फिफ्टी फाइव हंड्रेड कैल डे लाइट पे मिल जाएगा इसमें आपको मीडियम पे मिलेगा लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा वर्सेटाइल ऑप्शन है तो आपको ये इसी पे जाना चाहिए क्योंकि ये पहले आता नहीं था सी में अभी रिसेंटली आया जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी ये थोड़ी देर लाइट चली तो फ़ैन अपने आप ऑन हो गया तो ये हीट अपने आप निकाल रहे हैं इसकी और नॉइज़ इसकी बहुत ना के बराबर ही है कोल्ड ऑक्स तो कम ही लग रही है बाकी एक्चुअल टेस्टिंग तो कभी फिल्म सेटअप में पता चलेगा जब माइक होगा वैसे माइक नॉर्मली सब्जेक्ट के पास होता है तो लाइट से दूर ही रहता है तो फैन नॉइज़ वैसे भी इतनी दिक्कत नहीं करती तो ये एक बार मैंने आपको इसके बेसिक ओव्यूज़ दिखा दिए बाकी इसका जो कंट्रोल है ऐप कंट्रोल भी इसके अंदर है ऐप से अगर आपको इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो ऐप में इसके अंदर आपका कैलविन और इंटेंसिटी कंट्रोल तो है ही है प्लस इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी डाले हैं जैसे हर लाइट में आजकल ला आ रहे हैं आपका ब्रोकन बल्ब और फ्लैश थ्रो मोड वो इनकी साइडस्ट लिंक ऐप होती है वो जो लिखा ही हुआ है जैसे इस बॉक्स पर उसी ऐप से जिससे हमने टू टू हंड्रेड एक्स कंट्रोल करी थी उस ऐप आप से आपका सारा कंट्रोल हो जाएगा और उसमें आप अपना स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं जैसे फायर वायर वो जो मैंने आपको बताया आठ नौ इफेक्ट्स के अंदर हैं तो वही गोडॉक्स से कंपीटिंग इन्होंने प्रोडक्ट बनाया और उसी उसी के आसपास इन्होंने प्राइजिंग भी रखी है तो प्राइजिंग इसकी जो है एम एल सिक्सटी बाई कलर वर्जन जो है वो है अठारह हज़ार पाँच सौ की तो ये भी लाइट ऑलमोस्ट उसी के आसपास प्राइस है इस टाइम अठारह हज़ार की लाइट है मार्केट में तो इन्होंने सेम प्राइस में सिमिलर प्रोडक्ट बनाया है उससे थोड़ा छोटा है और इसमें जो माउंटिंग है इन्होंने बोवंस की दे दी है इनबिल्ट उसमें एम में आपको एक्स्ट्रा माउंट लेना पड़ता है तो वो थोड़ी छोट कॉम्पैक्ट लाइट है उसके अंदर आपको गोडॉक्स माउंट दिया गया है इसमें आपको बोवन्स माउंट दिया गया है तो ये और छोटी हो जाती है उससे बाकी रिफ्लेक्टर भी मैं आपको एक पर लगा के दिखा देता हूँ ताकि रिफ्लेक्टर से आपको आइडिया लग जाए कि क्या इफेक्ट आता है बस क्विक लॉक है सिस्टम ये नैरो रिफ्लेक्टर है तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सेंटर में थोड़ा सा आपको हॉटस्पॉट टाइप दिखाई दे रहा है और एक कम लाइट फैला रहा है तो ये दूर से आपको दिख रहा होगा सेंटर में थोड़ा तो इससे क्या होता है कि सेंटर की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है इन्होंने कंपनी के हिसाब से इसमें थर्टी सेवन थाउजेंड लक्स आता है वन मीटर पे आउटपुट रिफ्लेक्ट इस छोटे रिफ्लेक्टर से और बड़े से वो थोड़ा कम हो जाएगा और सॉफ्ट बॉक्स लगाने पर वो भी चेंज हो जाएगा जैसे अब मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ तो देखिए इस सेंटर में इसमें हॉटस्पॉट टाइप आ रहा है तो ये हर बंदे को पसंद नहीं आएगा लेकिन किसी किसी शॉट में आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को नहीं तो नॉर्मली आप बड़ा रिफ्लेक्टर कोई भी बोन्स माउंट का लगा लो या इसका सॉफ्ट बॉक्स लगा लो तो सॉफ्ट बॉक्स पे आउटपुट लॉस आएगा लेकिन हार्डनेस लाइट की सारी ख़त्म हो जाएगी तो इसका एक बार आउटडोर भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि इस टाइम रात का टाइम है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आउटडोर में इसकी क्या इंटेंसिटी है बाकी जो फीस स्पेक्स और फीचर्स मैंने आपको दिखाई दिए सब कुछ कंटेंट्स इसके अंदर है ही केबल और पावर डॉप्टर साथ में है, ही है। ये ये माउंटिंग मकानिज़म है इसका तो अब इसका एक बार आउटडोर टेस्ट दिखा देते हैं फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं तो अब हम इस लाइट को बाहर लाएँ आउटडोर टेस्टिंग के लिए और शाम का टाइम है तो अंधेरा है काफ़ी अभी कोई लाइट नहीं चल रही है अब इस लाइट को ऑन करते हैं ताकि आपको इसकी इंटेंसिटी का आइडिया लग जाए तो एक बार लाइट ऑन करके अनडिफ्यूज लाइट ही दिखा रहा हूँ मैं आपको डिफ्यूज़ हो गया थोड़ी सी कम हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी ये अभी ऑन हो गई है ये अभी आप देख सकते हैं फुल पार पे है मीडियम कलर टेम्परेचर पर काफ़ी तेज़ लाइट है और इसमें टेम्परेचर एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगी जैसे मैंने आपको बताया था और इसके अंदर आप वो भी कर सकते हैं अपना डिफ्यूजन के लिए कोई शॉर्ट बॉक्स लगा ही सकते हैं अब हम इंडोर में इसको एक सिंपल अम्बेला से डिफ्यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि डिफ्यूज़ लाइट कैसे आती है और इसको की लाइट की तरह हम यूज़ करें बिल्कुल मेरे सामने है लाइट तो इसको एक बार फुल पावर पे 6500 फाइव हंड्रेड केलविन पर ऑन करते हैं तो जिससे आपको आउटपुट का आइडिया लग जाए कि डिफ्यूज़ आउटपुट कैसा आता है ये हो गई आपकी सिक्सटी फाइव हंड्रेड कैलविन पर फुल पार अब इसका एक बार कलर टेम्परेचर चेंज करके देख लेते हैं इसको फोर्टी एक बार मीडियम पे कर देते हैं आपका और फोटी फाइव हंड्रेड जो इसका सेंटर पॉइंट है और इसके बाद एक्सट्रीम येलो पर आपको दिखाई दे रहा है येलो पे जब एक्सट्रीम पे जाएंगे तो पावर कम हो जाती है और सिक्सटी फाइव पे करेंगे मीडियम आपका जो सेंटर है उस पर फुल पावर आएगी और बाकी कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं मैंने मोस्टली सब कवर कर ही लिया है प्राइजिंग भी मैंने आपको बता दी है तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर पर और वायर कोरियर भी हम भेज सकते हैं डेली से बाहर अब व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर Thank you for watching and please subscribe to our channel. Bye.